हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाली कार, जो कि है महिंद्रा XUV700। अब अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो ये रहेगा इसका MX वेरिएंट, जो कि है इसका बेस वेरिएंट। अब फ्रंट साइड से स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक्स मिल जाती है, एंड इसकी जो ग्रिल है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगी। हेडलैम्प्स की बात करें तो इस वेरियंट के अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ही मिलेंगे, एंड ना ही कोई आपको DRLs मिलेंगी। ओवरऑल इसका फ्रंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है, एंड अगर नीचे से बात करें तो आपको फॉग लैम्प्स भी नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। अब अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जो कि रहेंगे MX, AX3, AX5, AX7 एंड AX7 विद लग्जरी पैक। ये वाले वेरियंट की बात करें तो इस वेरियंट के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही मिल जाते हैं विद मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड इसके अंदर आपको खाली 5 सीटर का ही ऑप्शन मिलता है। साइड से बात करें तो जैसे कि बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको स्टील व्हील ही मिलते हैं, जो कि सिल्वर फिनिश के अंदर आएंगे। ORVMs की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे, बट फोल्डेबल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको यूनिक डिज़ाइन के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं साइड से। अब अगर टायर साइज की बात करें तो वो रहेंगे आपके 17 इंचज के स्टील व्हील। एंड अगर रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको रूफ रेल्स तो मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, इसके अंदर आपको नॉर्मल एंटीना ही मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जैसे कि बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको कोई भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, वो आपको AX5 ऑनवर्ड्स मिलना स्टार्ट होता है। अब बात करें इसके रियर साइड से, तो रियर साइड से काफ़ी ज़्यादा MPV जैसी लुक देती है। एंड अगर इसके टेल लैम्प्स की बात करें तो बेस वेरियंट के अंदर भी आपको इसके अंदर LED टेल लैम्प्स मिल जाती हैं। रियर से अगर मिसिंग फीचर्स की बात करें तो वो रहेंगे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। नीचे से देखें तो इसके अंदर आपको खाली 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एंड ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि एक 5 सीटर वेरियंट है इसका, एंड मोस्टली लोग इसका 7 सीटर वेरियंट ही लेते हैं, जो कि आपको AX3 वेरियंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर इसके बूट की बात करें तो ये फाइबर से बना हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन अगर फ्रंट कोलिजन की बात करें तो इस कार को 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। एंड अगर आप इसका AX5 या फिर उससे ऊपर कोई भी वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं रियर टेल लैम्प्स के अंदर। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसके अंदर पहले आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 153 BHP की पावर निकालता है एंड 360 Nm का टॉर्क। यह आपको खाली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। अब बात करें इसके पेट्रोल इंजन की, तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 197 BHP की पावर निकालता है एंड 380 Nm का टॉर्क। यह भी आपको खाली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। अब बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग, ABS पर CVD, आइसोफिक्स सीट बेल्ट माउंट, फॉलो मी हेडलैम्प्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाती है। अब कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि रहेंगे मिडनाइट ब्लैक, रेड रेज, डेजलिंग सिल्वर एंड एवरेस्ट वाइट कलर। सो आज वाली वीडियो में हमने देखा इसका एक्सटीरियर। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इस वाले वेरिएंट का इंटीरियर भी देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।